राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रपुत्र सुरेश सिंह सोनगरा का जन्मदिन बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय पुत्र सुरेश सिंह सोनगरा का जन्मदिन बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। इस दौरान सोनगरा खजराना क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ एक कोचिंग क्लास में ऐसे गरीब छात्र जिनकी स्थिति बहुत ही कमजोर है, उनके लिए पढ़ाई करने से लेकर हर चीज का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली और इसी के साथ सावेर रोड स्थित गरीब बच्चों के आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया। वहीं बच्चों को खेलकूद की सामग्री उपलब्ध कराई। देवास से आए मुस्लिम समाज के पदाधिकारी ने सोनगरा के घर पर पहुंचकर केक कटवा कर पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया और कहा कि जिस प्रकार राष्ट्रपुत्र सुरेश सिंह जी कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों की वजह से समाज में एकता का संदेश जाता है। मैं आपसे सिंपल सी बात बता दूं, आप खुद देख लीजिए, जो देवास से आते हैं, कहां से आते हैं, रिजवान मुझे कचरा ना बुलाते हैं, ये यहाँ आए तो मन में कुछ ऐसी है हमारे, हम राष्ट्रवादी हैं, समाजवादी नहीं हैं, हम पार्टीवादी नहीं हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। ऐसे लोग, ऐसे प्यारे लोग जो मेरे एक मुहिम है, मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी मुहिम है। आपको बता दूं, आपने सुना भी होगा, अभी एक और मीडिया की वाइट दी है मैंने, कि ज़िंदगी में इंडिया से और भारत से प्यार करना है, भारत से प्यार करना चाहते हो तो भारतवादी बनो, राष्ट्रवादी बनो, आप जातिवादी मत बनो। मेरा लक्ष्य है हर बेरोजगार को रोजगार से जोड़ना, 1,00,000 लोग को करोड़पति बनाने का संकल्प बेरोजगार को बनाया है मैंने, लिया है। उसी की मुहिम में ये बच्चा हमारा काम कर रहे हैं, इसमें ये काम कर रहे हैं। देखो, एक बात बताना चाहता हूँ आपको, कुछ लोग मुझे अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं, मुझे परवाह किसी की है नहीं और ना करनी। मेरा लक्ष्य एक ही है कि जब तक मैं जीऊँ, है ईश्वर है, परमात्मा है, राम है, रहीम है, अल्लाह वाई गुरु, 1,00,000 लोग को और करोड़पति बनाकर मेरे को जीवन से, इस दुनिया से विदा करना, ना तो शहीद करना, मरना मत, बस। तो उसी महीम में ये बात करेंगे, ये भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं बच्चे, बहुत प्यारा काम कर रहे हैं ये वाहिद भाई, ये हमारे मुस्लिम संगठन, सब एक। देखो क्या होता है, आपको एक और बात बताता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने वाले को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अपनी बाप की औलाद, दो बात ध्यान रखना, बहुत प्यारी, साफ बोलूँगा, क्लियर बोलूँगा, मुसलमान जिसका ईमान होता है वो मुसलमान होता है। दूसरा, महाराणा प्रताप का कौन सेनापति था? वसीम खान, जिसने अपनी वीरता, शौर्य के प्रति और अपने कठोर देशभक्ति के प्रति तलवार लेके अपने शहीद हुआ और इनकी समाज में आज तक ये बोल के दिखा दे कि कब्र में सिर्फ कोई किसी को साथ दफनाया था नहीं, किसी समाज के सिर्फ एक ऐसा था जो महाराणा प्रताप का सेनापति था, जिसको तलवार से दफनाया गया था और जो हमारे लिए और इस पगड़ी के लिए जान दे दिया। हम तो आपके ऋणी हैं रे, हमेशा रहेंगे, ये मेरा वादा है। मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो एक ही बात मानता हूँ, मैं सूर्यवंशी कुलवंशी माँ प्रतापी महाराणा प्रताप के वंशज हम हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं। हर समाज हमारे लिए कर्तव्य के लिए, हर समाज की रक्षा करना हमारा फर्ज बनते हैं। रक्षा करते करते यदि जान भी दे दी तो हम ये कहेंगे ये देश वीरों का है और हमने मर गए नहीं, हम शहीद होते हैं तो हम ये कहेंगे मेरी वीरता ने कुछ परिचय छोड़ के इस देश के लिए गए। ये बच्चा है हमारा जो आज 15 अगस्त का दिन है, आपका जन्म सौ भी है, किस सादगी से आप मना रहे तो हैं। मैं आपको भी बोलता हूँ, गुड़िया को बोलता हूँ, दीदी को बोलता हूँ, 15 अगस्त का मतलब राष्ट्र दिन, राष्ट्र दिन का मतलब राष्ट्रपुत्र का जन्म हुआ, तो राष्ट्रपुत्र कहलाओ ना, मेरा जन्म राष्ट्रपुत्र लिखता हूँ। राष्ट्रपुत्र का मतलब उपाधि मैं सबको देना चाहता हूँ, राष्ट्रपुत्र सारे संगठनों से ऊपर कहे, सारे संगठनों से ऊपर कह लो, ये पद लो, पद नहीं, ये जवाबदारी, सब एक समान, मंत्री संतरी मंत्री सब एक समान, सब एक समान। एक तो राष्ट्रपुत्र लिखो और राष्ट्रपुत्र को जो खतरा आएगा सुरेश सिंह सोनगरा के आन बान शान को ललकारेगा। यदि राष्ट्रपुत्र लिखता है और उसको यदि किसी भी व्यक्ति ने जरा सी भी बात को रखी तो मुझे चैलेंज करेगा। मैं राष्ट्रपुत्र के हित की बात करूँ, सब राष्ट्रपुत्र हैं और जिस दिन राष्ट्रपुत्र लिखना ले शुरू कर दिया पूरे देश ने, हम सब समाज को एक कर देंगे, सारी समाज सारा देश एक हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो उम्मीद करता हूँ सभी राष्ट्रपुत्र, अब ये बच्चा है, ये बहुत छोटी सी उम्र में इसने ये 1 से 2 लाख रुपये सर्वप्रथम तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
आप एक क्षत्रिय कुल की परंपरा का रक्षण कर रहे हैं। आज 15 अगस्त भी है और ऐसे शुभ अवसर पर आपका जन्मदिवस भी है। एक तो देश तो उत्सव मना ही रहा है, आपके जन्म उत्सव की भी उसी के साथ में सब आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी देशवासियों को भी 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है आप जिस कार्य में लगे हुए हैं वो कार्य भगवान आपको और तो सामर्थ्य दे जिससे कि और आप उसका संवर्धन कर सके और जिस परंपरा को आप चला रहे हैं उस परंपरा में और नव युवकों को जोड़ने का कार्य करेंगे तो और उस परंपरा का संवर्धन होगा और वृद्धि होगी। मेरा नाम आचार्य शुभम शर्मा, देवी अहिल्या वेद विद्यालय इंदौर, मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा। विवेक सिंह की रिपोर्ट।